कल चेन्नई हारने के बाद बहुत ही खराब लग रहा है, इसीलिए आज हम लोग पार्टी करने निकलते हैं दोस्त के घर। दुकान से घर आने के बाद हम लोग का जो प्रोग्राम बना है कि एक कंचन मेरा जो दोस्त है उसके घर में आज जो है चिकन पार्टी बनेगा, मतलब पार्टी नहीं कह सकते, अपने अपना सब जो है हिस्सा देके ही बना रहे हैं। तो चार पांच ऐसे लड़का है जो हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अभी दुकान तक मोटा मोटी वही 8-8:30 तक बढ़ा दिए, तो चलिए उधर चलते हैं। हालांकि अभी तो रात हो गया था इसलिए रास्ते में कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं, तो यही स्टार्टिंग वाला जो ब्लॉग है वो बना लेते हैं, आगे वहां पर जाके दिखाते हैं कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। हालांकि हमको तो कुछ पता नहीं है कैसे करते हैं क्या नहीं, चलिए वही लोग सब कुछ अरेंजमेंट किया है, हमको तो सिर्फ खाना है जाके। लेकिन देसी चिकन कैसे बनता है और कैसे बनाते हैं हम लोग गाँव घर में, ये आप लोगों को बताते हैं और दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिलहाल तो हम आ गए, अभी ये जो चंद्रा है और कंचन है ये काम में लग गया है। अभी तो फिर कुछ जलावन जलाना पड़ गया, लकड़ी हो गया, शायद इसे सही जलाएगा। और ऐसे ही बनता है हम लोगों का जो है चिकन है, ऐसे ही बनता है। गैस का इंतजाम पिछला बार किए थे लेकिन इस बार नहीं हुआ है, तो लकड़ी से ही, लकड़ी जला के ही करना पड़ेगा। देखिए इतना धुआं सा उठ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। तो देखते हैं, चलिए अभी दो लड़का और आएगा, तो अभी नहीं आया है, अभी इंतज़ार करते हैं, तब तक आग जो है जला लेते हैं। ये तो इंतजार मैंने कुछ करके ही रखा है, बहुत बढ़िया बात है। हम तो सब कुछ इंतजार किया, किसी का इंतजार हम लोगों का था क्या सजल जी? हाँ, सब व्यवस्था हो गया। देखिए आप लोगों का व्यवस्था इधर हम लोग कर दिए हैं। हाँ, अभी भी तो सब जमीन पे ही है, जमीन में ही रहेगा, यहाँ पर चेयर टेबल कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, मतलब आपका अभी चालू किधर हुआ है? बिल्कुल आपका इंतजार था ना, तो पिता नहीं काटेगा तब तक कैसे चलो? नहीं नहीं सर, हम सोचे आप लोगों को जल्दी भेजे, मतलब हम क्या सोचे कि हम जाके खाने बैठेंगे। बिल्कुल, कंचन को हम बोल रहे थे कि कुछ जल्दी इंतजाम करो, लेकिन ये लोग व्यवस्था मानेगा तब ये तो आप लोग का इंतजाम, किसी को अगर बिल्कुल किसी को इन्वाइट किए हैं तो आपको इंतजाम करके रखना चाहिए ना। ये गाड़ी आप ही का? हाँ जी। अभी चोर चोर का जो है डर बहुत लगा हुआ रहता है। अब ये है सेकंड पार्टी, मिस्त्री अभी पोरो का सबसे फेमस मिस्त्री में से एक है। देखिए कितना मेहनती लड़का है चंद्रा, बहुत ही मेहनत से आग जो है लगा रहा है, आग लगाने में एक्सपर्ट है। नहीं नहीं, चलिए मजाक करते हैं, ये हम लोग का दोस्त है तो दोस्ती में तो उतना मजाक चलता है। देखिए जल गया, जब तक ये नहीं जलेगा तब तक जो है खाना है वो स्टार्ट हम नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे ही होता था, अभी तो शॉर्टकट में गैस वगैरह सब निकल गया है, बहुत ही सुविधा होता है आदमी का। देखिए लोग कैसे मजाक करते हैं, ये देखिए तेल, सरसों का जो तेल है वो डाला गया। हमको तो खाना पकाने के बारे में कुछ आइडिया वगैरह कुछ है नहीं, खाली खाते हैं। तो ये कंचन और चंद्रा जो है वो दोनों जानता है, ये कर लेगा। अभी तेल को गर्म करना पड़ेगा शायद, बिल्कुल सही। प्याज जो है पहले ही काट के रखा है, और कंचन का जो वाइफ है बहुत हेल्प करा हम लोगों का, वो प्याज वगैरह काट के ही हम लोग को दिया है, और मसाला जो है पीस के दिया है। ये शायद तेज पत्ता है, हाँ बिल्कुल तेज पत्ता है। अब इसको कब डालना पड़ता है हमको तो पता नहीं है, सब्जी मसाला के बारे में कुछ ये लोग सही जानता है, कंचन तो बहुत ही एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट सब तरह से ही है कंचन, आपका इलेक्ट्रिक मिस्त्री में भी सबसे एक्सपर्ट है कोरोना। और देखिए ये चिकन तो देख सकते हैं, चिकन तो धो के रेडी कर दिया है, अब
टोमेटो जो है वो देखिए मिक्स करके शायद पता नहीं क्या कर रहा है, बढ़िया ही होगा क्योंकि इसके पहले भी हमने कंचन का हाथ का जो खाना है वो खा चुके हैं, बहुत बढ़िया बनाता है। ये वाला मसाला है, मसाला चलिए बढ़िया बात है। टाइमिंग के बारे में ये लोगों को भली भांति पता है, लड़का होके भी जनरली हमको तो कुछ करना नहीं आता है, लेकिन जो भी है कुकिंग जो करता है वो टाइमिंग का जो है बहुत अच्छी तरह से सेटिंग करता है, कब क्या देना पड़ता है, कितने टाइम के लिए देना पड़ता है, ये बेहतर तरीके से पता होता है। ये लड़का कहाँ जा रहा है उधर? अच्छा पानी लड़ने। ये भी बहुत मेहनती लड़का है, इलेक्ट्रिक का काम ये भी करता है। देखिए रेडी हो गया, एक नंबर, कितना मस्त जो है खुशबू आ रहा है, बिल्कुल अभी भी बनने में मोटा मोटी 15 मिनट से ऊपर ही लगेगा। रंग देख के ही पता चल रहा है कितना स्वादिष्ट बनेगा। इसका पार्टनर ये भी इलेक्ट्रिक का ही काम करता है। चलिए हम लोग तक परोस लिए, कि पत्ता कहाँ से लाया, आधा टूटा हुआ, सब खाने में भी खाना स्टार्ट कर दिया है। और टेस्ट जो है दोस्तों बहुत सही टेस्ट किया है और हुआ भी है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा चिकन बनने में लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। ये सजल जी हाल फिलहाल में नया दुकान खुला है और सेलिंग जो है बहुत बढ़िया है। फिलहाल तो चिकन पार्टी करके हम लोग घर आ गए हैं और दोस्तों यही बात बताना चाहेंगे कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिएगा और लाइक का ऑप्शन नहीं भूलिएगा, और साथ में जो शेयर का ऑप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। पिछला ब्लॉग में हमको थोड़ा मायूसी हुआ था क्योंकि पिछला ब्लॉग आगे का ब्लॉग के अनुसार उतना नहीं चला था, पता नहीं क्यों नहीं चला था, क्योंकि हम शेयर नहीं किए थे। तो हम शेयर नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग अपने इस तरह से जो है शेयर करते रहिएगा ताकि गांव का जो ब्लॉग है सब कोई देख सके। तो चलिए अभी समाप्त करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।